गाइस नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। एंड गाइस, दिस ओवर हियर इज माय बेयर स्किन विद एब्सोल्युटली 0% मेकअप ऑन इट। एंड गाइस, आई विल बी कमिंग अप विद अ मेकअप वीडियो सून। यू नो, एक्चुअली आई हैव हैड मेनी ब्रेकआउट्स ऑन माय स्किन सिंस लास्ट फ्यू वीक्स, सो दैट्स व्हाई आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग मेकअप, सो दैट यू नो इट जस्ट डजंट यू नो लाइक ग्लोरिफाइज ऑल दीज डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशंस व्हाट एवर आई एम हैविंग as of now। And yes guys, as you have already read by the title, this is going to be an unboxing detailed review and also a bare skin swatch of the shade Rachel from Nykaa's Molten Matte lipstick range। And without any further ado, let's just dive right into the video। Guys, lipstick की packaging कुछ ऐसे type की होती है। एक simple plain cardboard box में आपको lipstick receive होती है and the MRP is not written over here, but as far as I think so, this retails somewhere around 400 rupees, बट मैंने इसको 50% ऑफ में लिया था, शायद 260 की ली थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड दिस वॉज मैन्युफैक्चर्ड ऑन 1 जनवरी 2021 एंड दिस वुड बी एक्सपायर्ड बाय 12 दिसंबर 2022। दैट मीन्स दिस हैज अप्रोक्सीमेटली अ शेल्फ लाइफ ऑफ 2 years। एंड गाइज, दिस इज हाउ द कार्डबोर्ड बॉक्स इज टू बी ओपन्ड। लाइक दिस इज जस्ट अ जनरल कार्डबोर्ड बॉक्स एंड हियर कम्स योर लिपस्टिक। द लिपस्टिक इज कम्प्लीटली कलर कोडेड, जो इसका कलर है उसी की पूरी बॉडी है लिपस्टिक की। तो अगर आप इसके यू नो 3-4 शेड ऑन करते हैं देन दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम कि आपको यू नो इट्स हार्ड टू मेक आउट फ्रॉम द पैकेजिंग की कौन सी लिपस्टिक है, क्योंकि शुगर की कुछ लिपस्टिक्स होती हैं जिनकी पैकेजिंग ऊपर से पूरी सेम होती है। यू विल हैव टू लुक डाउन फॉर द शेड नेम, बट दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। पूरी बॉडी ही सेम कलर की है एंड ओवर हियर यू गेट टू सी द नेम ऑफ द लिपस्टिक। दिस इज 01 रेचल। एंड गाइज, आई पर्टिकुलरली चोज दिस लिप शेड बिकॉज दिस इज अ एवरी डे nude lip shade, like you know I always tend to reach out for nudes. I own shit ton of nudes and I you know personally love plum colors, but still whenever I reach out I always reach out for nudes. And yes guys, let me just show you the applicator and after that we'll move on to the lip swatch for this. This is how the applicator of the lipstick is. गाइज, ये थोड़ा सा टिल्टेड है ताकि यू नो आप लिप्स को डिफाइन भी कर सकें, आपको अलग से लिप लाइनर की जरूरत ना पड़े। एंड मोल्टन मैट लिपस्टिक है, मतलब कि सॉफ्ट मैट फॉर्मूला है। यू कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टे फॉर वेरी लॉन्ग ऑन योर लिप्स, सो ऑब्वियसली यू वुड रिक्वायर अ रीटच। एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट डाइव ऑन टू द लिप स्वॉच फॉर दिस लिप। वेखा नाले चुम्मा मैं, मेरी सुरत भुलाती तेरे ना दे अखर ने, मेरी सुरत भुलाती तेरे ना दे अखर ने। गाइज, लिपस्टिक एक बहुत ही सॉफ्ट मैट फॉर्मूला है लिपस्टिक का, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता लिप्स के ऊपर। और एक बार ही लगाने के बाद यू नो आप बस इसको 5 से 10 सेकंड देंगे, उतने में ही सेटल हो जाएगी। तब तक के लिए यू नो ट्रांसफरेबल रहती है, बट आफ्टर दैट लेट मी जस्ट किस माई हैंड फॉर द ट्रांसफर टेस्ट। गाइज, बहुत ही कम या शायद यू नो बहुत ही मिनिमल ट्रांसफर है, मतलब ऐसे कोई ट्रांसफर जैसा ट्रांसफर नहीं है जैसे कि लैक्मे की सॉफ्ट मैट लिपस्टिक्स जो है कुशन फॉर्मूले वाली, उसमें जैसा ट्रांसफर होता है वैसा ट्रांसफर नहीं है। बट आई थिंक सो कि थोड़े समय के बाद यू नो इट वुड स्टार्ट टू फेड ऑफ एंड यू वुड हैव टू अप्लाई इट और रीटच इट। बट एनीवेज गाइज, अभी तो कोई ट्रांसफर नहीं है लिपस्टिक को लगाए हुए, आई थिंक सो मुझे 1 मिनट से ज्यादा हो गया है। एंड बहुत ही हल्का फॉर्मूला है, कुछ भी आपको लिप्स पे यू नो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाया है, और बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। दैट इज अ वेरी बिग प्रो अबाउट द लिपस्टिक, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। मुझे तो बिल्कुल ड्राइंग नहीं लग रही, जबकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक भी अगर यू नो ड्राइंग लिपस्टिक होती है, जैसे कि नायका की जो लिक्विड मैट लिपस्टिक्स हैं वो बहुत ड्राइंग है, सो यू नो आई गेट अ प्रॉब्लम विद ड्राइंग लिपस्टिक्स, बट ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। एंड यू कैन डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस, दिस इज अ वेरी प्रिटी शेड गाइस।
And yes, I only have pros and pros about it. Okay guys, so this is how the shade looks on me, bare skin without any makeup. And as you guys can already see that this just doesn't washes me out. And this is a perfect everyday nude guys. Agar aap kahin pe bhi meri skin tone ke aas paas hain, for reference, main Maybelline mein 310 hoon, Sun Beach 310 and Lakme 925 mein C300 Cool Cinnamon and Nykaa ki Skin Genius jo stick foundation hai, usme 03 रोज बेज. सो अगर आपके पास यू नो रेफरेंस के लिए इन तीनों में से कोई भी शेड, आपके पास कोई भी फाउंडेशन है, देन यू कैन पर्टिकुलरली मेक दिस आउट कि हम कितने सिमिलर हैं स्किन टोन में. और अगर आप कहीं पे भी मेरी स्किन टोन के आसपास हैं, देन प्लीज गेट योर हैंड्स ऑन दिस लिप शेड, यू विल डेफिनेटली लव इट. दिस इज अ परफेक्ट एवरीडे न्यूड गाइज. अगर मेरे पास ये लिपस्टिक पहले होती तो मैं अपनी टॉप 5 ऑफिस न्यूड लिपस्टिक्स में इसको डेफिनेटली इंक्लूड करती. एंड नो इश्यूज गाइज, मैं अभी फ्यूचर में फिर से कोई ऐसी वीडियो अगर लाइट टॉप 5 ऑफिस न्यूड या टॉप 5 वर्किंग वुमेन न्यूड, देन आई वुड डेफिनेटली इंक्लूड दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक. एंड यू कैन डेफिनेटली पुल दिस ऑफ विद और विदाउट मेकअप. एंड यस गाइस, आई जस्ट होप दैट दिस वीडियो वॉज एनी वेज सॉर्ट ऑफ हेल्पफुल फॉर यू. एंड इफ इन केस यू फाउंड इट हेल्पफुल, और जस्ट इन केस यू नो यू लाइक टू बिंज वॉच मेकअप वीडियोज लाइक मी, देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. एंड ऑल्सो गाइज, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, दैट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी गाइज. एंड आई लव यू फॉर एवर. एंड यस गाइज, विद दिस वी एंड टूडेज वीडियो. वी We'll be meeting in the next video. Till then, stay safe, stay happy, and bye guys. I love you all. Bye.